समशीतोष्ण जलवायु में रहते हैं तो शरीर भी समशीतोष्ण रहे, समशीतोष्ण हर जगह सम में रहे शरीर। आयुर्वेद में भी ये कहते हैं कि वात पित्त कफ तीनों सम में रहे, भारतीय लोगों के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। तो शरीर की कोई भी अवस्था सम से ना जाए, माने ज्यादा सोए नहीं एक क्योंकि सम टूटेगा, ज्यादा जगे भी नहीं उसमें भी सम टूटेगा। तो जगना और सोना दोनों संतुलित नियमित है। तो शास्त्रों के आधार पर भारत के लिए जगने और सोने की जो अवधि तय की गई है वो दो तरह से तय की गई है। एक तो ऐसे लोग जो शरीर श्रम बहुत करते हैं और एक तो ऐसे लोग जिनका शरीर श्रम कम है। तो जो शरीर श्रम ज्यादा करते हैं उनके लिए सोना कम से कम 8 घंटे और जगना 16 घंटे। सोना 8 घंटे, जगना 16 घंटे। शरीर श्रम करने वालों को स्पष्ट निर्देश है भारतीय शास्त्रों में कि जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा उनको सोना ही पड़ेगा शरीर को सम रखने के लिए। लेकिन जो शरीर श्रम ज्यादा नहीं करते उनके लिए सोने का है 6 घंटे और जगना है 18 घंटे। अब आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर शरीर श्रम नहीं है आपका तो 6 घंटे सोना पर्याप्त है और शरीर श्रम है तो 8 घंटे। लेकिन कभी कभी एक छूट दी गई है, वो ये कि आपका शरीर जब स्वस्थ महसूस करे उतनी देर सोने का। ये तीसरी एक कैटेगरी बनेगी, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जब आप कोई बीमारी की स्थिति में हैं, कोई रोग की स्थिति में हैं, तो जब तक आपका शरीर स्वस्थ महसूस ना करे तब तक सोए और जब स्वस्थ महसूस करे तो जगे, वो बीमारी की स्थिति है। तीसरी बात, स्वस्थ होने की स्थिति 8 और 6 घंटे की, श्रम करने वालों को 8, नहीं श्रम करने वालों को 6, और बीमारी की स्थिति में जब तक आप सोए और महसूस करें स्वस्थ वहां तक तो 10 घंटे भी हो सकता है, 12 घंटे भी हो सकता है। ठीक है, हमारे भारतीय शास्त्रों में एक स्पेशल कैटेगरी है, अलग से लिखा गया बच्चों के लिए। बच्चे होते हैं 1 साल की उम्र तक के बच्चों को 18 घंटे सोना, 3 साल तक की उम्र वालों को 16 घंटे, 5 साल तक की उम्र वालों को 14 घंटे और उससे आगे 7-8 साल के हो जाएं तो 12 घंटे, फिर 10 साल के हो जाएं तो 8 से 10 घंटे, जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करें तो 8 घंटे। जो शरीर श्रम वाले हैं उसी कैटेगरी में आ गए। और 15 साल की उम्र का लड़का या लड़की माना जाता है कि वो मनुष्य होने की स्थिति में है तो फिर वही श्रम वाला, अगर मानसिक श्रम करता है तो 6 घंटे, शरीर श्रम करता है तो 8 घंटे। तो आप इस फॉर्मूले को अपने जीवन में हमेशा ध्यान। ठीक है, तो 16 जगना हुआ। अब इससे थोड़ा आगे है आचार, 16 जगना। अब अगर आपने 16 जगना फिक्स किया है तो टाइम फिक्स करना। अगर आपकी 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है तो रात को कितने बजे सोना आपके लिए फिक्स करना पड़ेगा। 8 घंटे की नींद चाहते हैं तो रात में कम से कम आपको 8 बजे 9 बजे तक तो सो ही जाना पड़ेगा, तभी 8 घंटे की नींद हो सकती है। तो इसका माने ज्यादा देर रात्रि जागरण भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, तो ज्यादा रात्रि जागरण ना करें। लेकिन समय विशेष पर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें आपको जागरण करना ही पड़े तो वो साल में 2-4 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे समय विशेष कोई आया, आपके घर में कोई पूजा हो रही, महाभारत का पाठ या मान लीजिए रामचरित मानस का अखंड पाठ हो रहा है तो 24 घंटे पूरा होता है, तो उसमें एक विशेष परिस्थिति है तो साल में 1 दिन आप ऐसा 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन हफ्ते भर का पीरियड है जो आप इसके लिए निकाल सकते हैं, लेकिन रोज का ये नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि बेचारे ये लोग जो कंप्यूटर पर बैठ बैठ के अमरीकी लोग अमरीकियों का काम करते रहते हैं जिनको आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट कहते हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउसिंग में काम करते हैं, ये सब लोग भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं। रात को सोते हैं, रात को देखते हैं, दिन को सोते हैं, और इसी का दुष्परिणाम है 35-40 की उम्र तक आते आते किसी को दमा, किसी को अस्थमा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को डायबिटीज, किसी को नपुंसकता, ये सबसे ज्यादा बढ़ गई। मैं होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूं और निःशुल्क प्रैक्टिस करता हूं सेवा के, तो मेरे पास मैक्सिमम केसेस आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे डॉक्टर बताना नहीं चाहिए, वो नपुंसकता के आते हैं।
और मैक्सिमम कैटेगरी जो है वो इन्हीं लोगों की है जो सॉफ्टवेयर में, बिजनेस प्रोसेस हाउस में और आउटसोर्सिंग के काम में है, पति और पत्नी दोनों। पत्नी 35 साल की है, पति 40 साल का है, 10 साल शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए। और वो कहते हैं जी राजीव भाई, वो धीमे से बोलते हैं, कोई ऐसी दवा बताओ कि अपनी पत्नी को संतुष्ट कर सके। तो मैं उनको मजाक करता हूँ कि यार तुमने पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पढ़ी। कहते क्या कहानी? मैंने कहा एक एक राजा के पास 100 रानी होती थी, कैसे संतुष्ट करता था, तुम एक को नहीं करता। तभी वो परेशान हो। मैंने कहा सोचो तो सही कि एक राजा के पास 100 रानी तो संतुष्ट तो करता होगा, नहीं तो भाग जाएंगी कि नहीं, कहते रहेंगी उसके पास, और तुम एक को नहीं संतुष्ट कर पा रहे, तो तुम्हारे जीवन शैली में और राजा के जीवन शैली में क्या अंतर आया जरा देखो। तब उनको ये बात, ये नमन सप्ताह सबसे बड़े पैमाने पर चल रही है इस क्लास में, जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या बिजनेस प्रोसेस हाउस में काम कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत डर लगता है कि इस पूरे क्लास में 70% नमन स्त्री और पुरुष को 70, इसलिए उनके यहाँ बच्चे ज्यादा नहीं हुए। आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे करना नहीं चाहते, हो ही नहीं रहे, करना नहीं चाहते वो बात अलग, हो ही नहीं रहे, क्योंकि जीवन शैली का ये जो बिल्कुल उल्टा हो गया, रात को जगना सुबह को सोना, यहाँ तो बहुत तकलीफ है। तो भारतीय सामने अगर रात को आप सोते नहीं और दिन में आपको सोना रात को 5 के बीच उठ जाए, कोशिश करिए अगर इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके घर में है, अगर आप उसके विजय पालें तो आसान है। अगर टीवी का कनेक्शन काट सकें, या तो कंट्रोल आपका इतना हो कि हम जब चाहेंगे तभी स्विच ऑन होगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और आपके बच्चे भी आपको देखकर पढ़ेंगे। टीवी रखिए लेकिन कंट्रोल रखिए रिमोट पर, और अगर कंट्रोल नहीं है तो कनेक्शन काटिए, उसमें कुछ दुविधा मत पाइएगा कि कनेक्शन काटेंगे तो दुनिया से पिछड़ जाएंगे, ऐसी उसमें कोई बात नहीं आ रही है कि आप दुनिया से आगे निकल जाए, उसको देखिए जो पिछड़ने की कल्पना आपसे है। कोई जानकारी ऐसी नहीं आ रही है जो आपको दुनिया से आगे निकालती हो, तो पिछड़ने का डर क्यों? तो ये सोने का, जगने का, खाने का और